Okay, so today we will do the chapter number 4, The Treasure Within. I'll be explaining the chapter in Hindi and then we will do the question answer for the chapter. The Treasure Within. यह चैप्टर एक इंटरव्यू पर आधारित है जो कि बेला राजा मिस बेला राजा और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बीच हुआ था. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इंडिया के एक बड़े आर्किटेक्ट थे. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. आई यूज़ टू हैव टेरेबल नाइटमेयर्स ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 ईयर्स इट सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ. Hafiz, I used to get continuous nightmares about appearing for a math examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. Hafiz contractor कहते हैं कि पहले मुझे बुरे सपने आते थे लेकिन अब 4-5 साल से वो सपने नहीं आ रहे हैं, वो गायब हो गए हैं. बेला ने उनसे पूछा कि आपको किस तरह के सपने आते थे और आपको क्या लगता है कि वो क्यों गायब हो गए. मुझे लगातार ये बुरे सपने आते थे कि मैं एक मैथ के एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मुझे वहाँ कुछ नहीं आता, लेकिन अब शायद मैं उससे उबर चुका हूँ. अब मैं पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और अब बुरे सपने देखने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है. बेला, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. फीस. In the first and second year, I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and never studied. I used to be interested in games, running around and playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son. I've been seeing you from day one. You are a good student. But you never studied. I have taken care of you till today. Now, I can no longer take care of you. So, you do it yourself." Bella ne pucha ki apne school ke bare mein kuch purani yaadein bataiye. Hafiz. मैं पहले और दूसरी क्लास में बहुत अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन तीसरी क्लास तक पहुँचे पहुँचते मुझ में पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बचा. मैं केवल खेलने में, दौड़ने में, लोगों के ऊपर जोक्स बनाने में और उनके साथ छेड़खानी करने में बिज़ी रहता था. मैं एग्ज़ाम के टाइम में चीटिंग करके पास हो जाता था. मैं कोशिश करता था कि मुझे एग्ज़ाम के पेपर मिल जाएं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि मुझे क्लास में पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता था. लेकिन बाद में मेरे प्रिंसिपल की कही हुई बात ने मेरा जीवन बदल दिया. जब मैं 11वीं कक्षा में आया तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि देखो, मैंने अब तक तुम्हारा पहले दिन से ख्याल रखा है. तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो. मैंने अब तक तुम्हारा ध्यान रखा है लेकिन अब से ये तुम्हें खुद करना होगा. He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बात की. उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हारी माता जी ने बहुत मेहनत की है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए और तुम्हारी फीस भरने के लिए, लेकिन तुम केवल खेलते ही हो. अब तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन. आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन द फील्ड. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट. मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था. मैं वहाँ का सीनियर चैम्पियन था कई सालों तक. मैं क्रिकेट का कप्तान भी था. मैं सभी गेम खेलता था
लेकिन उस साल मैंने मैदान में एक कदम भी नहीं रखा। मैं प्रार्थना करता था, खाना खाता था और पढ़ाई करता था। मैं ज़्यादातर नकल करके पास हो जाता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम है और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। When I got second class, 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days. I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works." जब मुझे दूसरी श्रेणी प्राप्त हुई बोर्ड के एग्ज़ाम में 50%, तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, "तुम तो ये समझो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिल गई है। स्कूल के दिनों की मेरी ये यादें हैं। मैंने और भी बहुत सी चीज़ें की थी, लेकिन मुझे ज़्यादातर याद नहीं रहती। मैं अपनी यादों को एक तस्वीर की तरह बनाकर रखता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो मैं उसके अंदर क्या था ये याद रख सकता हूँ, उसकी एक इमेज बनाकर। ये ऐसे काम करता है। बेला, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील?" बेला ने पूछा कि जब आप स्कूल में थे और आप ठीक नहीं कर रहे थे, अध्यापक जब आपको उठा के पूछते थे, तब आपको कैसा महसूस होता था? "आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। मैं खेलने में इतना इंटरेस्टेड था कि मुझे हर हफ्ते पिटाई लगती थी। वेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर बाई नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाई बिहेविंग बैडली, वेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, वॉट वॉज द स्टेट ऑफ योर माइंड?" जब आपको पता था कि टीचर आपको पसंद नहीं करते, या आपको पता था कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया है या बुरा व्यवहार किया है टीचरों से, और जब आपको पता था कि आपकी पिटाई होने वाली है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हफीज, स्टेट ऑफ माइंड? जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले। दिमाग की स्थिति? बस अपना हाथ आगे करो, वो तुम्हारी पिटाई करेंगे और तुम इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं केवल खेलना चाहता था। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड? हफीज, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स एंड रैन एंड बाय द टिकट्स। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। आपको कभी असुरक्षा या डर महसूस नहीं हुआ? मैं केवल खेलने में इंटरेस्टेड था और कुछ नहीं। मुझे लोगों से मजाक करने में मज़ा आता था। एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया और हम 1 घंटे तक चोर पुलिस खेलते रहे। हर शनिवार को हमें शहर जाकर एक पिक्चर देखना अलाउड था। उस दिन मैं लंच नहीं करता करता था। 40-50 लोग विद्यार्थियों से पैसे इकट्ठे करता था और टिकट खरीदने भाग जाता था। लौटते समय मैं दिल खोल कर खाता था। आई यूज टू बी अ लीडर ऑफ अ गैंग। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था। हमारी गैंग फाइट्स होती थी और हम तरह तरह की स्ट्रेटजीज प्लान करते थे। इन चीज़ों में मुझे मज़ा आता था, पढ़ने में नहीं। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। आई प्रॉपरली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम। विद्यार्थी मेरी किताबों को अगले साल के लिए बुक कर लेते थे क्योंकि वो ज़्यादातर नई होती थी। मैंने उन्हें शायद एक बार खोला होता था, वो भी एग्जाम से पहले। बेला, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर?
आप आर्किटेक्ट के फील्ड में कैसे आए? इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर. आई हैड ओनली 50%. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. देर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच. सो आई टुक जर्मन. देन माई जर्मन टीचर डाइड. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. सो आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. आई लर्नड इट फ्रॉम माई कजिन. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. आप आर्किटेक्ट के फील्ड में कैसे आए? कॉलेज में आर्किटेक्चर लेने के लिए 80 से 85% लोग नंबर लाना ज़रूरी था, लेकिन मेरे केवल 50% थे. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. मेरे पास ज्वाइन करने का लेटर भी आ गया था, लेकिन मेरी चाची ने उसे फाड़ दिया. फिर मैंने निश्चय किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि पुलिस ज्वाइन मत करो, केवल अपना ग्रेजुएशन करो. तो मैं जय हिंद कॉलेज गया बम्बई. वहाँ मुझे या तो फ्रेंच या जर्मन लेनी थी. हालांकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी, लेकिन मुझे 7 शब्द भी फ्रेंच के नहीं आते थे, तो मैंने जर्मन ली. फिर मेरे जर्मन टीचर का देहांत हो गया. कॉलेज ने मुझसे कहा कि या तो मैं कॉलेज चेंज कर लूं या फिर फ्रेंच ले लूं. अब मुझे दूसरे जगह एडमिशन कौन देगा? यहाँ ही मेरा जय हिंद कॉलेज में ही मेरा एडमिशन किसी किस सिफारिश पर हुआ था. तो मैंने सोचा ठीक है, मैं फ्रेंच ले लेता हूँ, और मैंने दोबारा फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया. मैं अपने चचेरे बहन से ये फ्रेंच सीखता था. वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी. मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस रोज फ्रेंच सीखने जाता था. बेला, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू एन डू आर्किटेक्चर? हफीज, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राॅइंग अ विंडो डिटेल. अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्राॅइंग. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राॅइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. ही देन हैड अ बेड विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राॅइंग वॉज रॉन्ग. माई कजिन हजबेंड वॉज सरप्राइज. ही आस्क मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमिडिएटली डिड. ही आस्क मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरी थिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. द प्रिंसिपल वॉर्न मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. आई गॉट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक. आई हैड नेवर मेड अ प्लान, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप. आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज, बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक. आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट. आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल. क्या आपने तब निश्चय किया कि आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं? हफीज, असल में एक ये अचानक ही हुआ. आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने देखा कि कोई बैठा हुआ एक खिड़की की डिटेल बना रहा है. खिड़की की डिटेल बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है. मैंने उसे बताया कि उसकी जो ड्राइंग है वो गलत है और जो खिड़की उसने बनाई है वो खुलेगी नहीं. उसने तब मुझसे शर्त लगाई और बाद में पाया कि सचमुच वो खिड़की की ड्राइंग गलत है. मेरे कज़िन का हस्बैंड आश्चर्यचकित हो गया. उसने मुझसे कुछ
और चीज़ें बनाने के लिए कहा जो मैंने फ़ौरन बना दी। उसने मुझसे एक घर को डिज़ाइन करने के लिए कहा और मैंने बना दिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि सब कुछ छोड़ दो और एक आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दी कि मैं तुम्हें इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने दूंगा, लेकिन अगर तुमने ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दूंगा। मुझे उस एग्ज़ाम में A+ मिला और उसके बाद से मैं आर्किटेक्चर में आ गया। मैंने कभी एक प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मुझे पता था कि कोई चीज़ बनाने पर ऊपर से कैसी दिखेगी। मुझे नहीं पता था कि एक सेक्शन क्या होता है, लेकिन मुझे पता था कि अगर एक प्लान मैं बनाऊंगा तो वो कैसा दिखेगा। उसके बाद से मैं हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आया। मुझे लगता है कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर उन खेलों की वजह से आई जो मैं स्कूल के समय में खेलता था। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहरम दिवेचा। वी यूज टू हैव कंपटिशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एमिनेशन। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। मेरा एक दोस्त था बहरम दिवेचा। हम लोग के बीच में एक कंपटीशन चलता था। हम लोग किले, बंदूकें और गोलियां बनाते थे और हम हर बार कोशिश करते थे कि हमारा डिज़ाइन दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। इन स्कूल व्हेन आई वाज द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माय टीचर्स मिसेस गुप्ता सॉ माय स्केचेस एंड टोल्ड मी, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। स्कूल में जब मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था, तब मेरी एक टीचर मिसेस गुप्ता ने मेरे स्केचेस देखे थे और मुझसे कहा था, तुम बाकी चीज़ों में तो बिल्कुल ख़राब हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं। तुम बड़े होकर आर्किटेक्ट बनना। मुझे उस समय ये पता नहीं था कि वो सही हैं। और बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं वापस उनसे मिलने गया। बेला, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद इट द क्यूरिकुलम? क्या लगता है आपको कि आपको पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं लगती थी? बेला ने पूछा। क्या इसलिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आता था, आप ये कर नहीं पाते थे, या जो आपको पढ़ाया जाता था वो ठीक नहीं था? हफीज, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जियोग्राफी। आई कुड डील विद मैथ्स, आई कुड डील विद मैथ्स वॉज वेरी बैड। आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 डेज, आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगेन विद। मैं भाषाओं में बहुत ख़राब था, विज्ञान और जोग्राफी में मैं ठीक ठाक था, लेकिन मैथ में बहुत बुरा था। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ने की वजह से ही पढ़ रहा था। जो भी कुछ मुझे आज पढ़ाया जाता था मैं 1 या 2 दिन में भूल जाता था, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं होता था। बेला, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वॉज बींग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? हफीज, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफिकल्ट। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। क्या आपको लगता है कि जो स्कूल में आपको जो पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बार किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था तो उसके बाद वो जो पढ़ाते थे उसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था? बोर्डिंग स्कूल में रहना मुश्किल था, हम दिन प्रतिदिन जीते थे। आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन उस समय में जब भी टेस्ट होते थे हम नकल कर लेते थे और टीचर को ये लगता था कि हमने अपना काम कर लिया है। बेला, देर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दैट दिस अप्लाइज टू यू? ऐसा माना जाता है कि भगवान का दिया गिफ्ट या सीखने में परेशानी होना साथ साथ चलते हैं। क्या ये आप पर भी लागू होता है? हफीज,
Well, take some student from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. मेरी क्लास के कुछ विद्यार्थियों को देखिए जो हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते थे और आजकल वो बहुत साधारण सी नौकरी कर रहे हैं. बेला, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेज वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डनरी टुडे. हफीज, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट. आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन देन वॉट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी. मैंने ऐसी बहुत सारी स्थानों पर बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिनका ये कहना है कि उनकी क्लास में जो टॉप करते थे वो आजकल बहुत साधारण सी नौकरी कर रहे हैं. मुझे लगता है कि स्कूल में रहने से हम लोगों में बहुत बुद्धिमानी आई और मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़कर नहीं खुद करके सीखी हैं. बेला, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर. यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीड टू डू. हाँ, शायद इसलिए क्योंकि आपके अंदर पर्सनैलिटी और स्किल्स तो थे लेकिन आपको अपने आप को प्रस्तुत करने का एक तरीका मिल गया जिसे आप आसानी से कर पाए और इसीलिए आप शायद कोई भी नियम नहीं मानते थे और कोई आपको रोक नहीं पाया वो करने से जो आप करना चाहते थे. हफीज़, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. वेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग दे वुड कम रनिंग टू मी एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक यूजिंग अ ब्लेड. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में था. उदाहरण के लिए, अगर मैं क्लास में बैठा हूँ और बाहर बारिश शुरू हो जाए तो मैं सोचने लगूँगा कि पानी का फ्लो किस तरफ है जहाँ मैं डैम बना सकता हूँ इसे रोकने के लिए. मैं ये सोच लूँगा कि इसमें कितना पानी होगा और डैम कितना पानी रोक पाएगा. उस दिन के लिए मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसी चीज़ में होता था. जब कोई स्टूडेंट खेलते समय या लड़ते समय अपने कोट का एक बटन तोड़ देता था तो वो मेरे पास आते थे और मैं ब्लेड का इस्तेमाल करके चॉक से काट कर एक बटन बनाकर देता था क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट था. और कोई भी स्टूडेंट एक बटन मिस करके डिनर में नहीं जा सकता था. डिनर के समय उनके पास एक पूरी साफ सुथरी और सही ड्रेस होना ज़रूरी था. बेला, कमिंग टू प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. आज की बात करते हैं, आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी क्लाइंट को किस तरह का निर्माण बनाकर देना है. आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो वॉट इज हिज टेस्ट वुड बी लाइक. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. मैं क्लाइंट के चेहरे, उसके कपड़े, वो किस तरह से बात करता है, चीज़ों को कैसे प्रोनाउंस करता है, वो कैसे खाता है, इन सब चीज़ों को देखकर उसका इंटरेस्ट जान लेता हूँ. मैं लोगों के कंफर्ट के बारे में जान लेता हूँ, फिर मैं उसी समय कागज़ पर एक स्केच बनाता हूँ और वो कागज़ मैं अपने लोगों को ऑफिस में दे देता हूँ. बेला, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. आप ये इंस्टिंक्ट से करते हैं. हफीज, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, वॉट एवर. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिजाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स. हफीज, चाहे आप इसे इंस्टिंक्ट कहें, गणित कहें, अंक गणित कहें या
एक डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन कहे, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कुछ भी कहे, मेरे लिए अब ये एक मैथमेटिक है, पूरा स्केच बनाना। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, टेकिंग इन फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ। यहाँ हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ जान गए हैं और ये भी समझ गए हैं कि वो अब गणित को कैसे देखते हैं। एक सब्जेक्ट जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था से लेकर एक सब्जेक्ट जिसे वो अब सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सो दैट कम्प्लीट्स योर चैप्टर। यू नीड टू रिमेंबर दैट यू नीड टू राइट डाउन द समरी एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर इन योर नोटबुक। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर फॉर द चैप्टर नाउ। सो वी विल मूव टू कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर वन। कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर वन, पेज नंबर 28, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। आंसर, हफीज कॉन्ट्रैक्टर गॉट नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इन विच ही डिड नॉट नो एनीथिंग। हफीज कॉन्ट्रैक्टर गॉट नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इन विच ही डिड नॉट नो एनीथिंग। सेकेंड, वॉट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। द प्रिंसिपल सेड टू हिम हाउ हिज मदर टॉयल्ड हार्ड टू ब्रिंग हिम अप। In spite of his father's death, she further said that he was grown up and should start taking care of himself, that he could start giving top priority to his study instead of sports. The principal said to him how his mother toiled hard to bring him up. In spite of his father's death, she further said that he was grown up and should start taking care of himself, that he should start giving up giving top priority to his study instead of sport. Question number 3. That year I did not step out on the field. What was he busy doing that year? He was busy studying that year. He went for prayers and just ate and studied. He was busy studying that year. He went for prayers and just ate and studied. Question number 4, part 1. What distraction did Hafiz contractor create one day? Answer. He played chor police for an hour and even schoolboy loves distraction very much. Question number 4, part 2. Would you have liked to participate in the distraction had you been with him? Answer. Had I been with Hafiz contractor, I would have definitely liked to articulate in the distraction. Comprehension check 2, page number 32. Question number 1. Hafiz contractor wanted to join the police force. Why didn't he? Answer. Hafiz contractor did not join the police force because his mother told him not to. His mother told him to do his graduation. Hafiz contractor did not join the police force because his mother told him not to. His mother told him to do his graduation. Question number 2. In the architect's office, Hafiz contractor was advised to drop everything and join architecture. Why? In the architect's office, somebody was making a technical drawing of a window. Hafiz observed some lacune in the drawing and convinced that person. Then Hafiz was asked to make a drawing for a house, which Hafiz did surprisingly well. They were stunned to see Hafiz's natural talent and advised him to join architecture. In the architect's office, somebody was making a technical drawing of a window. Hafiz observed some lacune in the drawing and convinced that person. Then Hafiz was asked to make a drawing for a house, which Hafiz did surprisingly well. They were stunned to see Hafiz's natural talent and advised him to join architecture. Question number 3, part 1. What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz's contractor? Answer. Mrs. Gupta, who was Hafiz's contractor's teacher in the second and third grades, advised him to become an architect when he grew up. Question number 3, part 2.
what made her advise him so. She always said to him that he was quite useless in everything, except for his sketches, which were always very good. Therefore, she advised him to take up architecture. She always said to him that he was quite useless in everything except for his sketches, which were always very good. Therefore, she advised him to take up architecture. Question number 4. How did he help fellow student who had lost a button? Answer. When his fellow students lost a button, he helped them by cutting a button from chalk by using a blade. When his fellow students lost a button, he helped them by cutting a button from chalk by using a blade. Question number 5. Which rules did he break as a schoolboy? Answer. He broke many rules when he was a schoolboy. He would copy in class during examination, playing jobs and pranks on others. He would have gang fights and plan strategies. He was most interested in funny pranks, so he often created distraction. He also became a street Romeo. He broke many rules when he was a schoolboy. He would copy in class during examination, playing jobs and pranks on others. He would have gang fights and plan strategies. He was most interested in funny pranks, so he often created distractions. Question number 6, part 1. What is Hafiz Contractor's definition of mathematics? Answer. He said that putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all this is mathematics. He said that putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. Question number 6, part 2. How would you want to define mathematics? Do you like the subject? Answer. I would like to define mathematics as a science of numbers, quantity and space. Arithmetic, algebra, geometry and trigonometry are some of its branches. I would like to define mathematics as a science of numbers, quantity and space. Arithmetic, algebra, geometry and trigonometry are some of its branches. So that completes your chapter number 4. We will do the next chapter in our next video. Thank you.